से कभी होगा ऐसा टाइप से होगा हमारा भाई बहन का इधर रहने का क्या किसी के बारे में तंग हो गए क्या? हाँ ये दुनिया में बहुत तंग हो बाबा को बताते हैं मौजों का युग है संगम युग है मौजों का युग है लेकिन विनाश हो जाएगा तो बाबा चला जाएगा बाबा से प्यार नहीं है बाबा से प्यार भी है लेकिन दुनिया ऐसी है बाबा आजकल ठीक नहीं है दुनिया में है दुनिया आजकल ठीक नहीं है तो आप दुनिया में क्यों रहते हैं आप तो मौजों की युग में रहिए हैं बाबा ने कभी बताया कि आप बाहर की सुखदाई दुनिया में बुद्धि से रहिए बाबा तो कहते हैं कि आप मौजों की युग में रहो ऐसे टाइप से होगा बाबा पानी से होगा हाथ से होगा से होगा देखो उसे टाइम फिर हमारा परिवार हम लोग कहाँ रहेंगे हर तरीके से होगा क्या बताया नहीं दिया है सारा बता तो दिया है ना कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो ऊंचे ऊंचे मीलों ऊंचे सैकड़ों मील ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ के वो सारे गर्मी के कारण पिघल करके समंदर में आ जाएंगे एटमिक एनर्जी फटेगी तो गर्मी के बढ़ने से ऐसा होगा और जब वो पहाड़ सागर में आ जाएंगे तो मद्रास और बंबई जैसे शहर सब सब डूब जाएंगे नहीं बता दिया बता दिया तो क्या प्रबंध किया है मद्रास से समझना शुरू किया कि नहीं है मद्रास से ये भी बता दिया कि सारा ही आबू आगे चल करके खरीदना पड़ेगा इतने ढेर सारे बच्चे आ करके रहेंगे उनके लिए जमीन तो चाहिए ना तो बंबई मद्रास जो समंदर के किनारे हैं उनके लिए कहा कि डूब जाएंगे और माउंट आबू के लिए इशारा दिया है कि जब विनाश होगा तो बच्चे यहाँ आकर के चरण पालेंगे मना वो सेफ्टी का स्थान है और दुनिया में सब सब विनाश होने वाला है माउंट आबू भी लास्ट में नहीं बचेगा आखिरी पांच सात रोज का जो विनाश होगा उसमें दुनिया का अणु अणु जहां से चक्कर लगाना शुरू किया है वहीं चक्कर लगा करके पहुंचेगा जैसे आत्मा परम धाम से आती है 84 का चक्कर लगाती है देश विदेश में और लास्ट जन्म में फिर वही परम नाम में उसी पॉइंट पर वापस चली जाती है हर आत्मा का अपना साइकिल है ऐसे एटम का भी साइकिल है लास्ट ट्रेन तो मिल जाएगा अभी भी मौजों के युग में रहेंगे तो चिंता क्यों करेंगे हैं? बाबा ने तो बता दिया मेरी सर्विस में रहने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते हाँ जी आश्रम में ब्रह्मा को पांच को दिखाया ना हाँ बाबा मुंडी में बोला आदि में दो अंति में दो अंत में दादा नेत्रास सबको हाँ जी वो अंत में दो कौन अंत में जगदम्बा और जगत पिता उनका चेहरा अलग नहीं हो जाता है जगत उनका बन्ना है माता जगत पिता है और जगत पिता के साथ जगत अम्बा है
तो जगत अम्बा जी कैसे जा रहे हैं और कन्या भी कैसे जा रहे हैं? हाँ, बाकी जितने भी देवियां दिखाई जाती है वो सब कन्या के रूप में दिखाई जाती है, कोई भी माता के रूप में नहीं दिखाई जाती। ये योग बल की बात है। और आप सिर्फ भारत में रहेंगे तो किसे माउंट आबू में देखने के लिए चलेंगे ना? सदगुरु निंदक ठौर न पावे। जो सदगुरु की निंदा कराने वाले संग में बनते हैं वो सुखधाम में या शांति धाम में ठौर नहीं पाएंगे। वो विनाशी धर्म खंडों में उनको रह करके सेवा करनी पड़ेगी, ईश्वर का परिचय देना पड़ेगा। जो ग्लानी की है उसका अजूरा भर करके देना पड़ेगा। वो धर्म आत्मा सब उधर वो ग्लानी करते हैं, वो धर्म खंड में जाएंगे तो हम लोग बचेंगे नहीं। बचेंगे क्यों नहीं? ईश्वरीय सेवा करेंगे तो ईश्वर की सुरक्षा मिलेगी। रूहानी मिलिट्री बनेंगे तो मिलिट्री को सुरक्षा दी जाती है। अगर ईश्वरीय सेवा करेंगे तो सुरक्षा रहेगी। सर्विस नहीं करेंगे, जिस सर्विस करेंगे तो सुरक्षा की गारंटी नहीं है। भारत की मिलिट्री का मैन विदेश में जाकर के और भारत की ग्लानी करें तो शूट किया जाएगा ना, उसको सुरक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी? ऐसी कौन सी आत्मा है जो परमधाम वापस नहीं जाती है? कोई मन बुद्धि से जावेंगे और कोई शरीर छोड़ करके जावेंगे। जो मन बुद्धि से जावेंगे उनकी प्रैक्टिस पक्की हुई पड़ी होगी आत्म की स्थिति की, और आत्म की स्थिति की प्रैक्टिस पक्की नहीं हुई है, देवान में रहने की अभ्यासी है तो बर्फ में दब करके रहना पड़ेगा। बाबा का पाठ कहीं खत्म होता है? खत्म नहीं। जब तक इस दुनिया में आग लगकर पूरी नहीं होती है, पूरी स्थापना नहीं होती है 9,16,108 की, तब तक त्रिमूर्ति शिव का पाठ खत्म नहीं होता है। फिर आजकल आप बहुत जाते हैं आजकल, ये 2 साल में है आप जल्दी जल्दी आ रहे हैं। आज मुरली में बोल तो दिया, आगा मनेगा में गांव गांव में घूम करके सेवा करे, आने को पड़ता है। पड़ता क्यों है? पड़ता माने मजबूरी। वो किसके साथ पढ़ा, किसका पढ़ाई खत्म हो गया, किसके साथ लड़ाई हो गई, किसको लड़ाई मिलेगी? पढ़ाई भी चलती रहे, साथ में आसुरी तत्वों के साथ लड़ाई भी चलती रहे, चाहे वो आसुरी तत्व अपने अंदर हो और चाहे बाहर की दुनिया में हो। वाचा से लड़ाई, दृष्टि से लड़ाई, वृत्ति से लड़ाई, लड़ाई तो चलती है ना। और जितना जितना महाभारत गृह युद्ध से पसार होंगे, हिम्मत पूर्वक आगे बढ़ेंगे, बाप के सहयोगी बन करके रहेंगे, उतना उतना ऊंच पद बनता जाएगा।
गेट वे टू हेवन इज महाभारत. महाभारत युद्ध के गेट वे से पसार हुए बगैर कोई भी बचेगा नहीं. ये सत्य असत्य का युद्ध हर आत्मा को लड़ना पड़ेगा. पढ़ाई खत्म होती है फिर लड़ाई शुरू होती है. ये एक साथ सबके लिए नहीं है. वो नंबरवार है. पढ़ाई खत्म होना माने कर्मातीत स्टेज हो जाना. उनकी कर्मातीत स्टेज हो जाएगी. उन्हें कुछ पढ़ने और पढ़ाने की दरकार नहीं है. आत्म की स्थिति में रहकर एक सेकंड की कोई को दृष्टि देंगे उतने से ही दूसरी आत्मा की सर्विस हो जाएगी. ज्ञान सुनाने की भी दरकार नहीं. रुद्रमाला के जो भी मणके हैं कितने हैं 108. उन सभी मणकों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो जितनी हिम्मत करते हैं उतना बाप प्रवेश करके दृष्टि की और वाचा की मदद देते हैं. परंतु कोई कह नहीं सकता कि मेरे अंदर सुप्रीम सोल है. जैसे कराची में मॉडल बनाया था तो पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी. नरक लगा पड़ा था ना. 450 आत्माएं कैसे सुरक्षित रही. वो मॉडल था. सारी दुनिया क्यों देखेगी. जो भांति होंगे उस कुल के वो देखेंगे बाकी समझेंगे. क्रिश्चियन लोग समझेंगे कोई पैराडाइज है भारतवर्ष में. मुसलमान लोग समझेंगे कोई जन्नत है. अपने कहानी को अपना कहानी बनाते हैं. ये अपने शास्त्रों में अपनी कथा कहानियां है. उनकी समझ अपनी अपनी है. भारतवासियों की समझ अपनी है. 84 जन्म लेने वालों की समझ अपनी है. माया बेटी मानेंगे. लास्ट में बाबा ने बताया लास्ट में माया बेटी मानेंगे तो सब भी मानेंगे. अभी भी बोलते हैं आपके समाणी में माया और तंग आ चुकी है. माया भी थक चुकी है. कोई पूछते नहीं माया बेटी. जब दो पहलवान लड़ते लड़ते उनमें से कोई थक जाता है तो क्या असर होता है. कि जो थकने वाला है तंग आ चुका है वो अब हाँ सरेंडर होने वाला है.
कैसे माना अभी तो उनका तबीयत ठीक नहीं, वो बात ठीक कुछ नहीं करती है, वो कैसे कर्म हो जाएगी? अंदर अंदर जो है वो अंदर से कुछ लड़ाई चल रही है ना अभी भी। पहला आसमान आपके कृष्ण नहीं पापा, मैं वो अभी कुमारका दादी का तबीयत बहुत खराब है, वो बातचीत भी नहीं करती है, कमरे में ऐसी पड़ी है। वो मानेंगे तो सब लोग मानेंगे ना? ऐसी कोई बात नहीं है। वो कैसे है? वो मानेंगे तो सब लोग मानेंगे। वो तो बड़ी है ना इंसान, बड़ी है तो सिर्फ ब्राह्मणों की, वैदिक ब्राह्मणों की बड़ी है ना, सारी दुनिया की बड़ी है। बेसिक वाले भी मानेंगे ना? वो बेसिक वाले भी जो इस्लाम इस्लामी होंगे, बेसिक वालों में भी जो इस्लामी होंगे वो ही तो मानेंगे, ऐसे थोड़े कि बहुत जी होंगे वो भी मानेंगे। अपने अपने धर्म पिताओं को सब फॉलो करते हैं, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, इस्लामी होगा तो सत्य नारायण की बात मानेगा। उनके पोजिशन में किसी और को तैयार करते थे जैसे कि ऑफिस में होता है, इसलिए उससे कोई जो ज्ञान से कोई मतलब ही नहीं है, वो ऑफिशियल होते हैं। एक गुरु बन जाता है दूसरे को बच्चे पे बैठा देते हैं, यहाँ तो एक ही गुरु है। वहाँ माना भक्ति मार्ग की दुनिया, भक्ति मार्ग की दुनिया में एक गुरु मर जाता है तो उसके चेले को गद्दी पे बैठा देते, कहते हैं ये चेला हमारी सदगति करेगा। वो गुरु मर जाएगा तो दूसरे को गद्दी पे बैठा देंगे। कुछ भी सही, वो तो भक्ति मार्ग की परंपरा है। भक्ति मार्ग की परंपरा में एक गुरु के बाद दूसरा गुरु, दूसरे के बाद तीसरा गुरु, तीसरे के बाद चौथा गुरु, ये तो लंबडोर लगी रहती है। लेकिन ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ एक ही सदगुरु है आज से लेकर के अंत तक। तो जो जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, उनके भी 63 जन्मों के हिसाब किताब है ना, सब थोड़े ही उनकी बातें समझ लेते हैं या उनकी बातों में आ जाएंगे। 63 जन्मों का जिनका जो हिसाब किताब होगा उन्हीं की समझ में उनकी बातें आएंगी, हमारी बुद्धि में उनकी बातें क्यों नहीं आ जाती? हाँ, नहीं सोचते, क्यों नहीं सोचते? क्योंकि आपका 63 जन्मों का हिसाब किताब कोई और आत्माओं के साथ है। तो जिनके साथ आपका हिसाब किताब है आपकी बुद्धि और वृत्ति उनकी तरफ खींचेगी ऑटोमेटिक। आपकी पांव टापू की तरफ अभी खींच रही है। हाँ तो निकल गए ना, क्यों निकल गए? क्योंकि 63 जन्मों का हिसाब किताब उनके साथ नहीं, वो हिसाब किताब जो था वो पूरा हो गया। हाँ, और जिनके साथ हिसाब किताब था उनकी बात समझ में आ गई। वो क्या आपके वाणी में ऐसा बताया नीचे देता है, पहला खून में भी लिख के दिया सर, पहले खून में लिख करके देते थे, फिर स्टैम्प पेपर में लिख के दिया। वो क्यों तो उन लोग वापस बाइक जाके नहीं भगवान है, वो अपना आपको भगवान प्रत्यक्ष करता है। कौन? कोई ऐसा लिखे देखे, कोई कोई ऐसा कोई कोई निश्चय पत्र लिखने वाले ऐसे भी हैं जो विष्णु भगवान बनकर के बैठे हुए हैं, विष्णु पार्टी निकाल करके बैठे हुए हैं, निश्चय पत्र दूसरों से लिखवाना शुरू कर दिया,
हाँ तो वो लिखे से क्या फायदा है, क्या फायदा है? नहीं नहीं वो उनको दिखाया जा सकता है ना, देखो तुमने तो ये लिखा था, अब क्या हो गया? वहाँ पर लिखे लिया ऐसा किया तो उनके ऊपर आखिर हट्टी तो एक ही है, सत्य की हट्टी एक ही है, उनको वापस आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा? आज हम लोग ग्लानी करते हैं, आज ग्लानी करते हैं और कल उनको वापस आना पड़ेगा ना, तो जब वापस आएंगे तो उनको वो दिखाया जाएगा। लिखो माफी नामा। सारा पोता में लिखो कैसे कैसे ग्लानी की, कौन कौन आत्माओं को भटकाया, कितना जन्म का टाइम है, कितना आत्मा, कितना आत्मा, कितना आत्मा होती है? पॉपुलेशन पूछता है। कहाँ की पॉपुलेशन? सारी दुनिया। सारी दुनिया की नहीं पूछ रही है? तो सारी दुनिया तो रहेगी रहेगी, सारी दुनिया तो अंत तक भी रहेगी। इतनी बड़ी दुनिया, सबको संदेश मिलना है कि नहीं मिलना है? सबको संदेश मिल गया क्या? संदेश भी मिलना है और सारी दुनिया की बुद्धि में ये भी बैठना है कि बाप आया हुआ है, हम सब का बाप आया हुआ है, सब की सदगति करने के लिए आया हुआ है, बिना सदगति पाए कोई भी बचेगा नहीं, तो 18 में ही सब खलास हो जाएंगे, तो कैसे होगा? हमेशा आपको संस्कार कोई सुनने को नहीं मिलता है, संस्कार कोई आप हमेशा सुनने को नहीं मिलता है, कभी मिलता है, रोज नहीं मिलता है, रोज नहीं मिलता, वो टीवी में देखा होता है क्या सुन सकते हैं, के लिए क्या करें, फर्स्ट क्लास के लिए क्या करें? बाबा को इधर ही बैठा, बाबा को इधर ही क्यों बैठा दे, जहाँ बाबा रहे वहीं हम भी चले, बाबा को हम बंधन में डालेंगे तो हमारा क्या हाल होगा तेसर जन्म में? स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र है ना, भक्ति मार्ग में रहम नमो हो जाने क्यों टूटे, आनंद तांडव नहीं प्रसिद्ध है उनका, जो जो तांडव नृत्य प्रसिद्ध है वो विनाशकारी तांडव नृत्य प्रसिद्ध है। ज्ञान डांस करते जाते हैं और जिन आत्माओं को सजा मिलनी है वो सजाएं महसूस करती जाती है, इसलिए उसका नाम पड़ा है तांडव, ताड़ना करने वाला ज्ञान डांस, ताड़ना माना पिटाई, ज्ञान के नए नए पॉइंट्स निकलते जाते हैं, जैसे राम के बाण निकलते हैं और असुरों को घाव लगते हैं और उनकी आत्मा अंदर से कट उठती जाती है, घायल होती जाती है, संसार के सामने मुंह दिखाने लग काबिल नहीं रहते, ऐसे ऐसे रहस्य खुलते हैं एक एक आत्मा के बारे में। और सूखा पाठ इसका मतलब आप पूरी VCD देखते नहीं है, पूरी कैसेट जो नई नई आ रही है, काला सुनने बाबा ने बताया सारे साढ़े तीन बरस माना उसी समय से, या नहीं वो वाणी चला है ना उसी समय से, साढ़े तीन वर्ष का हिसाब है मूर्तियों के पार्ट से, पहली मूर्ति का पार्ट जब तक जीवित रही 69-18 जनवरी को शरीर छोड़ा 33 साल में, तो 1/3 हिस्सा पूरा हुआ पहली मूर्ति का, दूसरी मूर्ति का पार्ट अब पूरा होता है, उनका भी 33 साल चाहिए, तो 2004 में उनका भी टाइम पूरा होता है, कलयुग की शूटिंग कब पूरी हुई 2004 में, रुंग वर्ष सहित
तो 2004 के बाद 3-4 साल और ऐड कर दो। पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 16 साल 15 साल, दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 7-8 साल और तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 3-4 साल। तो 2004 से 3-4 साल ऐड कर दे, 2008 आता है। बाबा टीवी में बाबा कभी मोहित पड़ेंगे हैं? टीवी में बाबा मोहित पड़ेंगे सब लोग देखने सुनेंगे वो कभी होंगे? धीरे धीरे होता जाता है, होता जाएगा ना, क्या बड़ी बात है हैं? क्यों क्या बड़ी बात है, हमसे कितना कुछ मिलेंगे हम तो बेचारे। अब बड़ी बात नहीं है अभी, अभी जो लोकल केबल टीवी है उससे तो शुरुआत हो गई ना। तो लोकल टीवी में जब शुरुआत हो सकती है तो जो बड़े बड़े चैनल्स हैं आस्था या संस्कार चैनल जो अभी बिना लाखों रुपए की बात किए मानते ही नहीं है वो भी मजबूर हो जाएंगे संस्कार में। वो भी के वालों को अपनी संस्कार में आती है वो तो पैसे दे करके करते हैं। बाबा के बच्चे तो गरीब हैं, गरीब निवास बाबा है तो बाबा तो परमिशन देगा नहीं बच्चों को कि पैसे दे करके निकालो। अगर सच्चाई है तो सच्चाई तो सर के ऊपर चढ़ करके बोलेगी, उनको दिखाना ही पड़ेगा। कोई सनसनी खबर होती है ना, तीखी खबर होती है तो वो छापने के लिए खबर देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कृष्ण के लिए गाने सुधर है लेकिन राधा के लिए क्यों नहीं? कृष्ण के लिए गाने सुधर है राधा के लिए गाय नहीं? कृष्ण के साथ राधा का पूजन नहीं होता है? साथ होता है तो साथ आएगी तभी पूजन होगा, बेसिक नॉलेज में रहेगी तो पूजन कैसे होगा? लेकिन कृष्ण की पत्नी है ना बाबा? कृष्ण की पत्नी नहीं थी, वो पत्नी किसी दूसरे की थी लेकिन पवित्र थी। क्या दूसरे की पत्नी होते हुए भी प्योरिटी में सबसे आगे थी, इसलिए राधा का गायन ज्यादा है, पूजन ज्यादा है। जो भी ब्रह्मा कुमारियाँ हैं उनके साथ परवरिश करने वाले कोई भाई है साथ में या नहीं है? उनके साथ सेवादारी कोई साथ में लगे हुए हैं या नहीं है? तो उनके साथ हिसाब किताब बुद्धि का नहीं बनता है? सबको बनता है, सबको ये तो अपनी 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 सतर्कता है। कोई ज्यादा सतर्क होकर के ज्ञान में चलता है और कोई लूज होकर के चलता है। लेकिन नाम तो राधा कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण राधा नहीं बोलते। राधा तो सीताराम बोलते हैं। हाँ वो ये सीताराम राधा कृष्ण बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं। क्योंकि पुरुष जितने हैं वो सब दुर्योधन दुशासन, इसलिए उनका नाम आगे नहीं रखा जा सकता। सिर्फ एक ही युगल जोड़ा है जिसमें शंकर का नाम आगे पार्वती का नाम पीछे। बाकी ऐसे भी नहीं कि पार्वती कोई पवित्रता में पीछे है। पार्वती का अर्थ यह है पार लगाने वाली, डुबोने वाली नहीं, क्या पार लगाने वाली, विषय वैतरणी से पार ले जाने वाली। ऐसा सहयोग देती है वाचा का, कर्मेंद्रियों का, वाइब्रेशन का, दृष्टि का, कि पार जाना है। विषय सागर में डुबोने वाली नहीं है। कोई कोई में होता है अबलापन आ जाता है, कमजोरी आ जाती है,
बजाय पति को सतर्क करने के और ही डुबोने के निमित्त बन जाती है, मन बुद्धि चलायमान हो जाती है, इंद्रियों में चंचलता आ जाती है। लेकिन वो पार्ट ही ऐसा है जिसमें जन्म जन्मांतर की प्योरिटी भरी हुई है एक के साथ, वरों शंभु न तो रहो कुंवारी। विचार का नाम निकाल लो। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ जी मरने से पहले डोनेट कर दे। हाँ जी मरने के बाद हाँ उसका भी पाप बनता है, पुण्य तो बनता नहीं। आज तक नेत्रदान इतने ज्यादा हो रहे हैं ना, किसी ने कहा कि हमको नई आंख हॉस्पिटल वालों ने लगा दी थी, इतने नेत्रदान हो रहे हैं। वो मरने से पहले कहते थे हमारे नेत्र हॉस्पिटल में दे देना, तो जिस समय टाइम आता है वो आ जाते हैं और नेत्र सुरक्षित करके रख लेते हैं। कितना नेत्रदान होता है, लेकिन किसी को ये सुना कि इस व्यक्ति को हॉस्पिटल ने नई आंख लगा दी नहीं सुना ना, ये नेत्र कहाँ चले जाते हैं? ये जो इतने नेत्रदान होते हैं वो नेत्र कहाँ जा रहे हैं? सब विदेश में जा रहे हैं, पैसे कमाए जा रहे हैं, तो पाप हो रहा है पुण्य हो रहा है? भारत का फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? पुराण में अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, अच्छा कर्म माने पाप काटो, अच्छा काम करो, अच्छा पूरा बोलता है, पूरी तरह बोलता है पाप काटो हाथ भी काटो पूरा काम करेगा। तो बाबा ने बोला है मुरली में, जिन इंद्रियों से पाप कर्म किया है वो इंद्रियां काटी जावेगी, मुरली में बोला कि नहीं? तो मुसलमानों ने ये बात कहाँ से उठाई? मुरली में हर धर्म की सब बातें कहाँ से उठाई जाती है? यहाँ से उठाई जाती है। उनका कानून इतना कड़ा है तो दिन में पांच दफा नमाज करता है, है? दिन में पांच दफा नमाज करता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी आर्डर निकला होगा कि दिन में पांच बार याद करना है। वो आर्डर कोई मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा ने निकाला होगा? पांच बार ट्रैफिक कंट्रोल करना है। कृष्ण का जन्म लेने के टाइम में ये 500-700-700 मनुष्य देखता नहीं देखता कृष्ण का जन्म? वो सुनेंगे आगे पीछे समझेंगे, ये प्रैक्टिकल है। अगर सुना नहीं है समझा नहीं है तो क्रिश्चियन के शास्त्रों में कैसे लिखा हुआ है कि भारत में क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले लॉर्ड कृष्ण का राज्य था? ब्रह्मा के तन में आते थे तब भी बोला कि तुम सदैव ऐसे ही समझो, ये शिव बाबा ही बोलते हैं, इसमें तुम्हारा फायदा है।
अगर ये समझेंगे कि ये ब्रह्मा बोलता है तो ब्रह्मा का डायरेक्शन फॉलो करेंगे तो घाटा आ जाएगा। तो वो तो टेम्पररी व्यर्थ था, ब्रह्मा का तन तो टेम्पररी था और ये रथ तो एडवांस में तो जो रथ शिव बाबा लेते हैं वो टेम्पररी नहीं है, मुकर्रर रथ है। तो जब है ही मुकर्रर है तो हम क्यों ऐसे समझे कि अभी आता है अभी नहीं आता है, है? है? अभी दो चार साल पहले की अपेक्षावाणी में बात क्लियर की, दुनिया वालों के सामने बाप दादा गुप्त हो गए और बच्चों के सामने बाप दादा प्रत्यक्ष हो गए। ऐसे ही रहेगा। अभी कुछ समय पूर्व कहा कि जो क्रोध करेंगे ऐसा भी टाइम आएगा कि क्रोध करने वालों से बाप दादा नहीं मिलेंगे। क्या मतलब हुआ? गलतियां करते जाएंगे तो उनसे नहीं मिलेंगे, जिनका सही पुरुषार्थ होगा उनसे उनसे मिलेंगे। बाप दादा बेहद का गृहस्थी है, प्रवृत्ति मार्ग वाला है या निवृत्ति मार्ग वाला है? प्रवृत्ति वाला है तो क्या जंगल में जाना जाएगा? बच्चों के साथ रहेगा, साथ रहेंगे साथ चलेंगे साथों साथ साथ निभावेंगे। ये बात कैसे बुद्धि में आती है? तो नहीं आना चाहिए क्या ये हमारे लिए बाप दादा गुप्त हो जाएंगे? वो तो दक्षिण भारत वालों को तो ज्यादा मालूम होना चाहिए, यहाँ तो मंदिर ज्यादा है अष्टदेवों के, उत्तर भारत में तो अष्टदेवों के मंदिर नहीं देखने में आते हैं क्या? जो अष्टदेव है उनकी मान्यता दक्षिण भारत में ज्यादा है, क्योंकि बाप विदेशी बनकर के आया हुआ है तो बच्चे भी डबल विदेशी बनकर के आए हुए हैं। और दक्षिण भारत है भारत का विदेश, तो यहाँ तो चित्र बने हुए हैं मंदिरों में, उनके नाम भी दिए हुए हैं, ईशान कोण में ईश्वर, नाथ में कुबेर, पूरब में इंद्र, पश्चिम में वरुण, धर्मराज, दक्षिण में ऐसे ऐसे नाम है, वायुदेव, अग्निदेव, निकृति, हाँ जी बाबा, एक ही जगह में दो कुर्सियां डालती है ना, एक एक कुर्सियां डालता है जहाँ कहीं भी राजाई राज सभा लगती है तो पहले जो भी प्रवृत्ति मार्ग के राजाए होते थे उनके लिए दो सीट होती थी, एक राजलक्ष्मी, एक राजा और एक राजमाता।
राजमाता दाई ओर बैठाई जाती थी उनकी चेली, और सामने सभा के सामने राजलक्ष्मी और राजा की होती थी। तो ये यादगार कहाँ की है? हैं? यहाँ की यादगार है। मैंने 2036 के बाद प्रजापिता जीवित नहीं रहेगा। प्रजापिता माना पति से, और नारायण माना पावन। तो प्रजापिता खत्म नहीं होगा, लेकिन उसकी जो इंप्योरिटी है वो खत्म हो जाएगी। जब 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं पावन बन जाएगी, तो प्रजापिता को भी पावन बनकर के वापस जाना है। जब तक 500 करोड़ आत्माओं की सदगति नहीं होती है, गति नहीं मिलती है, तब तक बाप वापस नहीं जा सकता। इसलिए बोला आपने तुम्हारे बाप दादा चाहे तो अभी भी वापस जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए रुके हुए हैं। आजकल के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं और जो चपरासी का काम करने वाले हैं, पियोन वगैरह, पियोन को ज्यादा काम रहता है, भाग दौड़ रहती है, या बड़े बड़े ऑफिसर्स को ज्यादा काम रहता है? हैं? पियोन को ढेर सारा काम होता है, छोटे मोटे क्लर्क असिस्टेंट होते हैं उनको ढेर सारा काम होता है, लेकिन जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो मस्ती मारते रहते हैं, साइन किया गए। वो क्या चाहते हैं? वो काम नहीं करना चाहते। आज कोई काम नहीं करना चाहता, सब मस्ती मारना चाहते हैं, घूमे फिरे, क्लब में जाएं, ये करें, डांस करें। तो बाबा को यही दुनिया बनानी है क्या? उस दुनिया में डांस करो, संगीत बजाओ, खेल खेलो, चित्रकारी करो, ये काम नहीं हुआ है? हाँ, प्रत्येक में खाने का पीने का है नहीं? माँ प्रकृति सतो प्रधान होती है या तमो प्रधान होती है? सतो प्रधान। आज की प्रकृति तमो प्रधान है, तो मनुष्य इतनी मेहनत करता है, खेती करता है, और ज्यादा बरसात बरसा देती है प्रकृति, बाढ़ आ जाती है, अकाल पड़ जाता है, आग लग जाती है। तो प्रकृति तामसी होने के कारण इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सब चौपट कर देती है, और सचिव में प्रकृति सतो प्रधान होती है, इसलिए कुछ नहीं करना पड़ता। क्या इतना बड़ा जो समंदर है और उसमें भूडोल आएंगे, भूकंप आएंगे, पृथ्वी हिलेगी धुलेगी, सागर उछाल मारेगा, तो कितने जीव जंतु समंदर के अंदर हैं जो मर जाएंगे, सड़ेंगे, और वो सारे इकट्ठे होकर के जब हिलेगा धुलेगा तो किनारे पर आकर के वो सारी खाद इकट्ठी हो जाएगी। कौन सा किनारा होगा? कौन सा देश होगा जो किनारा होगा जिसका? भारतवर्ष। तो इतनी खाद जो मिलेगी तो पैदाइश अच्छी होगी या नहीं होगी? हाँ, तो बेटे अच्छी पैदाइश होती रही, कुछ पैदा नहीं करना पड़ेगा। बाबा कृष्ण का जन्म किधर होंगे?
आपको बालों में जमुना का कंठा गाया हुआ है, है? है? हाँ जी कब कब की बात पूछ रहे हैं? जब 500-700 करोड़ की शक्ति का विनाश होगा सारी आग में परम नाम वापस जाएंगे, सिर्फ वो ही बचेंगे जिनके कंचन काया बने होंगे। आपको नहीं मालूम 4.5 लाख की कंचन काया बनती है और उनसे 4.5 लाख का जन्म होता है, है? हाँ तो पहले बर्फ में दबाएंगे, बाद में बर्फ से बाहर निकलेंगे तब बच्चे पैदा करेंगे। और बाबा अभी से कितना लोग बच्चे से है? 25-40 लाख वो कंपिल वालों से पूछो कि रजिस्टर में कितनी नूद हुई, एनरोलमेंट नंबर क्या है, कौन सा नंबर चल रहा है। ये तो आपस में मिल बैठ करके तैयार करो, आपस में जो क्लास करते हैं संगठित उसमें 2-5 मिनट लगा करके ये फैसला करो कि कहाँ कौन से टाइम पर किस दिन कहाँ क्लास होना है, सबकी सहमति से होना चाहिए, बाबा से पूछ के नहीं। और हाँ जी रामराज जी में पॉपुलेशन कम है, रामराज में पॉपुलेशन ज्यादा है, हाँ जी ये आत्मा सुखी क्यों इतना लेक करता हुआ रावण को है? मुसलमान लोग हुए वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना पसंद करते हैं या घटाना पसंद करते हैं? रावण राज कौन से धर्म से शुरू होता है? इस्लाम धर्म से। तो जब इब्राहिम आता है उस समय इस्लाम धर्म की संख्या ज्यादा होती है या देवी देवता सनातन धर्म की संख्या ज्यादा होती है? इस्लाम धर्म है, देवी देवता सनातन धर्म के सभी होते हैं, इस्लाम धर्म के सिर्फ इब्राहिम उतरा उनके साथ और दूसरी आत्माएं उतरी, उनके धर्म के तो होते ही नहीं, इसलिए उनको विविचार पसंद है। जितना जाति विविचार फैलाएंगे उतना उनकी जाति जनरेशन जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। जब लाखों की तादाद में उनकी सेना तैयार हो जाती है, बाबा ने टाइटल क्यों दिया? उनके कर्म नहीं टाइटल लेते हैं, बाबा टाइटल लेता है या उनका काम टाइटल लेता है? इसका क्या देख गया माया के पास इतना लाइक करता नहीं तो एक जानवर होता है जिसको कहते हैं क्या कामी कुत्ते, कुत्ता कहा जाता है ना, तो ज्यादा संतान पैदा करता है ना, एक बार में कितने बच्चे पैदा हो जाते हैं? 8-10-12 भी बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो ये विविचार में ऐसा ही होता है, जब विविचार बढ़ता है तो संतान ज्यादा पैदा होती है, विविचार दोष आने से आकर्षण देह का ज्यादा बढ़ जाता है, आज एक से कनेक्शन हुआ कल दूसरी देह से कनेक्शन हुआ परसों तीसरी देह से कनेक्शन हुआ, तो नयापन आने से आकर्षण बढ़ता जाता है, इसलिए संतान जाति पैदा होती है। मंदिर है तिरुपति, एक मंदिर है बालाजी का, लाखों आदमी उधर जाता है,
लेकिन दर्शन मिलने के लिए 3 दिन भी लगता है, 2 दिन भी लगता है। दूसरा मंदिर में आदमी आता है नहीं है, वो क्या पाप कर रहा है, ये क्या पूरी कर रहा है, किसी के बारे में कुछ नहीं। लाखों आदमी आता है, बालाजी किसको कहते हैं? कृष्ण बच्चे को कहते हैं ना, बाल बाल माना बाल बाल कृष्ण। तो बालाजी के साथ है जुड़ी हुई राधा है, राधा और फिर राधा के मुकाबले में कोई दूसरी भी है जिन्हें पटरानी कहा जाता है। तो पटरानियों में जिसका ज्यादा प्रभाव होता है उसका और राधे का संघर्ष चलता है। ये वर्तमान समय की बात है, शास्त्रों में उनको सुरुचि और सुनीति की कथा के रूप में बोल दिया है। क्या कंपना देश की महाराजा को 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि अपनी रुचि पूर्वक मनमाने तरीके से चलती थी, मनमत पर चलती थी, और सुनीति सु माने सुंदर और नीति माने नीति। जो शिव बाबा की बताई हुई सुंदर नीतियां हैं उनके आधार पर चलती थी, क्या श्रीमत पर चलती थी। तो कौन हुई 2 रानियां है? वो दोनों रानियों में स्वभाव संस्कार में आपस में टकराहट होती है। सुनीति जो है वो राज परिवार में नहीं रही, दूर जंगल में रही, कांटों के जंगल में, और सुरुचि राजा के साथ रही। तो ज्यादा सुख किसको होगा? सुरुचि को ज्यादा सुख होता है और सुनीति को दुख उठाना पड़ता है। सुनीति ज्यादा मिलन मेला मनाएगी राजा के साथ या सुनीति ज्यादा मिलन मेला मनाएगी? सुरुचि ज्यादा मिलन मेला मनाती है, इसलिए ये गायन बना हुआ है कि जो देवी है उसका मेला बहुत लगता है। इसलिए वो कहती है तेरा पति, क्योंकि तेरे साथ रहता है, मेरा पति नहीं है तेरो पति। वो कहती है नहीं, मेरे साथ रहता है लेकिन दिल से तेरे को याद करता है, इसलिए तेरा पति, तेरो पति, मेरो नहीं है। हाँ, ये घर घर की लड़ाई है कलयुग की दुनिया में, इसलिए यो मंदिर बहुत प्रसिद्ध हो गया है। और तमिलनाडु की राजधानी के तो पास में ही है, फिर क्या है? तमिलनाडु के तो नजदीक है ना तिरुपति मंदिर है, है आंध्रा में है, लेकिन तमिलनाडु की नजदीक है ना, है भले 100 किलोमीटर है लेकिन और मंदिरों के मुकाबले तमिलनाडु के नजदीक है ना। क्या तमिलनाडु? तो मिल नॉट, तो हम भी नहीं मिलते, तुम नहीं मिलते तो हम भी नहीं मिलते। अरे इंडिया पूरी है, इंडिया पूरी लाखों आदमी आता है, आता है ना, घर घर की लीला है ना, इसलिए सबको पसंद है। हाँ, मीरा, हाँ
प्रश्न आया, भक्ति मार्ग में मीरा विष क्यों पीती है? विष का प्याला राणा जी भेजो, वो प्यार से पी गई, उसको कोई विष का असर नहीं हुआ। मीरा को रानी नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मीरा है, मीरा दासी। क्या कृष्ण की क्या है? मीरा दासी है। तो संगलुक से कोई कनेक्शन होगा कि नहीं होगा? है, संगम युग में कोई कनेक्शन बनता है? मीरा शाहजादी को कहा जाता है क्या? शिव बाप जो है उसके दो बच्चे हैं विशेष, एक बच्चा एक बच्ची, कौन? एक रुद्रमाला का मंत्र जिसे शंकर कहा जाता है, और उसी के साथ दूसरा मंत्र जिसे क्या कहा जाता है? हैं? शंकरी, जगत पिता और जगत माता या जगदम्बा। जो जगदम्बा है वो मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। क्या लक्ष्य है मनुष्य जीवन का? लक्ष्य क्या है? नारायण और लक्ष्मी, न कि नारी से जगदम्बा। क्या जगदम्बा बनने का लक्ष्य नहीं है? जगदम्बा माना राक्षसों की भी अम्बा। जगत में देवात्माएं भी मौजूद हैं और राक्षसी आत्माओं का जखीरा भी है। देवात्माएं से 33 करोड़ है और राक्षसी आत्माएं 500-700 करोड़ है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसमें सब धर्मों ने दिल्ली की गोद में राजाई भोगी है, तो सब धर्मों की माता होगी। उसका नाम है जगदम्बा। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ वो कौन से शहर को पसंद करते हैं? हैं? काशी नगरी को पसंद किया उन्होंने, दिल्ली को पसंद नहीं किया। क्यों नहीं पसंद किया? काश्य मना तेज, योग बल की पावर, योग कहो, लगन कहो, प्यार कहो, स्नेह कहो, वो काशी नगरी के प्रति ज्यादा। काशी का भी काशीनाथ के प्रति ज्यादा, इसलिए वो दोनों आत्माएं फाउंडेशन बनती है नई दुनिया के लिए। जो अव्यक्तवाणी में अभी बोला है क्या, अष्टदेवों के स्पेशल बोला है, बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है। इस नई दुनिया में आना जाना करते हो ना, उस अष्टदेवों की लिस्ट में जगदम्बा नहीं है। क्या, क्यों नहीं है? वो सूर्य से कनेक्टेड है या चंद्रमा से कनेक्टेड है? चंद्रमा से कनेक्टेड है। चंद्रमा को इतने ही करने वाली है,
तत्व को गीता का भगवान मानने वाली है। यज्ञ के आदि में भी सुनने और सुनाने का भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाली, ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन है। सिर्फ सुनना सुनाना नहीं, प्रैक्टिकल करके दिखाना। तो एडवांस पार्टी में तीन प्रकार की ग्रुप है, एक इंस्पिरेटिंग पार्टी शरीर छोड़ने वालों की, दूसरी प्लानिंग पार्टी। एडवांस पार्टी में जो ज्ञान की प्लानिंग करने वाले हैं, जिनमें जगत पिता और जगदम्बा दोनों आ जाते हैं, 108 सभी रुद्रमाला के मणके भी आ जाते हैं, और तीसरी पार्टी है प्रैक्टिकल पार्टी। प्रैक्टिकल होता है प्योरिटी से। एक रानी मक्खी निकलेगी, उसके पीछे सारा झाड़ जाएगा। तो ये यूनिटी प्योरिटी के बल पर इकट्ठी हो जाती है। जगदम्बा और लक्ष्मी, इन दोनों में इस बात का फर्क है। जगदम्बा सर्व मनोकामनाएं पूरी करने वाली है बच्चों की, और लक्ष्मी सिर्फ धन की मनोकामना पूरी करती है। तो कौन श्रेष्ठ हुआ, किसने फेस से काम किया और किसने निष्पक्ष से काम किया? दोनों काम बराबर है, मनोकामनाएं पूरी चाहिए। इस दुनिया की सारी मनोकामनाएं पूरी हो वो बात अच्छी है, या ज्ञान धन की मनोकामना पूरी हो वो बात अच्छी है? इस दुनिया का धन है मान मर्तबा भी चाहिए, ये दुनिया का चाहिए, ये बाबा की कीमत है। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सब खलास होना है। तो चाहिए चाहिए की बात ही खत्म हो गई, वो सब ईश्वरीय यज्ञ में स्वाहा कर देना है। हमें चाहिए ईश्वर की देन, और वो है ज्ञान। ज्ञान से ही सदगति होती है। शास्त्रों में भी लिखा है अर्थे ज्ञानान्न मुक्ति, मुक्ति और जीवन मुक्ति बिना ज्ञान के नहीं हो सकती। जो जो आत्माएं ईश्वरीय ज्ञान लेती जाएगी, ईश्वर को पहचानती जाएंगी, उन्हीं की ही जीवन मुक्ति होगी, दूसरों को जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। चाहे एक जन्म की जीवन मुक्ति क्यों न मिलनी हो, जब तक ज्ञान नहीं लेंगे तब तक वो एक जन्म की भी जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। तो लक्ष्मी से मिलता है ज्ञान धन, और जगदम्बा देती है बच्चों को, सब मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। इस दुनिया में राक्षसी हुई आत्माएं तो बहुत है, उनकी सर्व मनोकामनाएं पूरी करेगी जगदम्बा। तो जगदम्बा का लाश होगा या लक्ष्मी का लाश होगा, नुकसान किसका होगा? है किसका होगा? जगदम्बा का लाभ होगा ना। इसलिए बताया नारी से लक्ष्मी बनना है, जगदम्बा बनने का लक्ष्य नहीं लेना है। आखिरी बच्चों की मनोकामनाएं पूरी करते रहेंगे तो क्या होगा? है हाँ, आखिरी दुनिया बनाने के निमित्त बन पड़ेंगे, फिर वो हो जाएगी झूठी गीता। गीता पूरी ही खंडित की हुई है, जो गीता पूरी खंडित हो जाती है उससे बनता है नरक वैश्यालय, और जो गीता अखंड रहती है, किसी की कोई मनोकामना पूरी नहीं करनी है इस दुनिया की, ज्ञान लेना हो तो ले लो, उससे बनता है स्वर्ग। देवकी गीता से एक सेकंड में नरक से स्वर्ग, और कृष्ण की गीता से 2500 वर्ष में स्वर्ग की दुनिया क्या बन जाती है? नरक बन जाती है। हाँ बाबा, लक्ष्मी को ज्ञान तो जन्म पर मिलता है। लक्ष्मी को ज्ञान बाबा ने बोला नारायण से मिलता है। लक्ष्मी ज्ञान कहाँ से लावेगी? है नारायण ही देगा। कमाता कौन है? नारायण कमाता है, तो नारायण ही देगा ना, लक्ष्मी कहाँ से लावेगी? वो बच्ची की करेगी। हैं? बच्ची करेगी क्या साबित? हाँ जी, लक्ष्मी की साबित कर बच्ची करेगी। अगर बच्ची नहीं करेगी तो बाप का बच्चा बन करके वर्षा कैसे लेगी?
अब किधर करेंगे तो ड्रामा हो जाएगा ना। है कंचन काया मीन्स क्या पता? कंचन काया माने निरोगी काया, शरीर में कोई रोग न रहे, चमचमाता हुआ चेहरा दिखाई पड़े, आंखों में आकर्षण दिखाई पड़े, ललाट चमकता हुआ दिखाई पड़े, शरीर डील डोल वाला सख्त दिखाई पड़े, ऐसे नहीं कहीं पेट बड़ा है, कहीं टांगे छोटी हो गई, कहीं आंखें अंदर धसी हुई है। हाँ जी।